भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी हमेशा हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है भगवान का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल के हम लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े सामने हमारे दुश्मन हैं जिनसे लड़के हम लोग सफल होते हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उन लाखों लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए, जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतेंद्र जैन जी हैं, अमानतुल्ला खान हैं, उनको वो भी जल्दी आएंगे मैं उम्मीद करता हूं, जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, मन्नतें मांगी, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है, और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा, वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था, देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरी। मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। आपने सुना होगा बटुकेश्वर दत्त
और भगत सिंह ने असेंबली में एक बम फेंका था, या सुना सब लोगों ने, तो दोनों को जेल हुई, दोनों को एक ही जेल में रखा गया, बगल बगल वाली कोठरी में रखा गया। ये मैं चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं आपको, भगत सिंह की, जो उन्होंने प्रमिला को, बटुकेश्वर दत्त की बहन को लिखा। कल रात बटू को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है, तब तक वो उनके साथ ही था भगत सिंह के। ये चिट्ठी 17 जुलाई 1930 की है। उनकी जुदाई मेरे लिए असहाय हो रही है, भगत सिंह लिख रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की बहन को कि बटुकेश्वर दत्त की जुदाई मेरे लिए असहनीय हो रही है। आज पहला दिन है जब मैं अपने को पूरी तरह उद्विग्न पा रहा हूं और मेरे लिए हर मिनट एक बोझ बन गया है। एक मित्र से जुदा होना सचमुच सगे भाई से भी ज्यादा प्रिय थे मेरे को बटुकेश्वर। तो दोनों साथ रहते थे। 95 साल के बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक ही केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखते हैं, मेरे को अलग जेल में रखते हैं, साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। आजादी की लड़ाई जब हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब अंबेडकर जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जेल गए, अशफाक उल्ला जेल गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे, और जब वो मिलने के लिए जाते थे वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है, जब मिलने के लिए जेल में जाते थे। जब मैं जेल में था एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, वो भी पॉलिटिकल, हमारी पार्टी का संगठन मंत्री है। आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी, और क्या करता, रोमांटिक बातें थोड़ी करता। तो पॉलिटिकल आदमी वो, पॉलिटिकल आदमी मैं। मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है, उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई। मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है, उसने, संदीप पाठक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था एक ऐसा भारत होगा। आज से 95 साल के बाद इस देश के अंदर इतनी क्रूर और अत्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना, इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है, आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे को, मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे
वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर, इन्होंने पिनाराई विजन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया अभी 10 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे, कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका यह नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, टूटे फूटे टिन के स्कूल थे, डिब्बे थे, स्कूल क्या डिब्बे थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब था। उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविष्य दिया है। हम ये कैसे कर पाए? हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला, लोगों की चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली की महिलाएं जब बस में सफर करती हैं, उनकी टिकट नहीं लगती। बाकी देश की सरकारें घाटे में चल रही हैं, दिल्ली की सरकार ये सब सुविधा देने के बावजूद फायदे में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली आती है आज दिल्ली में, पहले 8-8 घंटे के पावर लगते थे। हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कैसे? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इतने कच्ची कॉलोनियों के अंदर पिछले 75 साल में इतनी सड़कें और गलियां नहीं बनी जितनी पिछले 10 साल के अंदर में सड़कें और गलियां बना दी। 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी। कहां से आया पैसा? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, क्यों? ये बेईमान है। ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, इनकी 30-30 साल से सरकारें चल रही हैं कई राज्यों के अंदर, 25-25 साल से, 15-15 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं,
ये स्कूल ठीक नहीं कर सकते, ये अस्पताल ठीक नहीं कर सकते, ये फ्री इलाज नहीं दे सकते, ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, ये 24 घंटे बिजली नहीं कर सकते, क्यों? ये बेईमान, ये बेईमान। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर, और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं, लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं एक मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा, एक मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं, कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा, मैं झुग्गी के अंदर, नंद नगरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी, और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। इन्होंने मेरे